एक मोहब्बत भरी कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात से वह दोनों वो अपने अपने जगह पर सो गए। आधी रात को पति को प्यास लगी। वाटर कूलर वहीं पास के मेज पर था तो पति ने खुद उठकर पानी पिया। अचानक उसने मुड़कर देखा तो बीवी ने उसे गुस्से से देख रही थी और बोली कि आपने पानी खुद क्यों पिया। पति ने भी गुस्से और अकड़न से जवाब दिया, हाथ पाँव सलामत है, खुद पी सकता हूँ, मोहताज नहीं हूँ। बीवी ने करीब आकर पति का गिरबान पकड़ लिया और बोली, यह एक बात गौर से सुनिए, मेरी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं अपनी खुशी और हक जीने नहीं जाने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी पिलाते हुए मुझे कितनी खुशी होती है। भले ही बातचीत बंद क्यों ना हो, लेकिन पानी आप खुद नहीं पिएंगे। बीवी के आंखें नाजुक और सुर्ख थीं। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर दिया। और फिर 10 सालों बाद जब रात 3 बजे को पति पानी पीने के लिए उठता है तो दीवार पर लगी खूबसूरत सी तस्वीर देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भरी हुई आंखों से वो तस्वीर को हाथ लगाता है। उसे अपनी बीवी की एक बात याद आ जाती है। वह कहती थी, मोहब्बत कभी मर नहीं सकती। दोस्तों, अपने करीब लोगों की कदर कीजिए, क्या पता वक्त कब बदल जाए।